आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परप्यूरियम। देखिए परप्यूरियम का है, परप्यूरियम एक टाइम पीरियड है बिटवीन डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा टू रिवर्ट बैक ऑफ जेनाइटल ऑर्गन टू प्री प्रेग्नेंट स्टेट या नॉन प्रेग्नेंट प्री प्रेग्नेंट। प्लेसेंटा की डिलीवरी के से लेके जब तक फीमेल के जो जेनाइटल ऑर्गन्स है वो अपने वापस प्री प्रेग्नेंट स्टेट में नहीं आ जाए, जैसे वो प्रेगनेंसी से पहले से वैसे नहीं आ जाए एनाटॉमिकली भी फंक्शनली भी, वहां तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उस टाइम ड्यूरेशन को आप क्या बोलते हो, परप्यूरियम ड्यूरेशन बोलते हो, परप्यूरियम बोलते हो। परप्यूरा उस फीमेल को बोला जाता है जो ये टाइम ड्यूरेशन में कवर करती है इस टाइम को, परप्यूरा। ठीक है, कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक का होता है, प्लेसेंटा की डिलीवरी तक। थोड़ा ध्यान रखना होगा डिलीवरी ऑफ फिटस नहीं, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा से कब तक, जब तक जितने भी जेनाइटल ऑर्गन है या अदर जो ऑर्गन है वो वापस प्री प्रेग्नेंट स्टेट में नहीं आ जाए। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आप सभी को होता है प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर ऑर्गन में चेंज आपको देखने को मिलता है, फिजियोलॉजिकल चेंज, तो उन चेंज से वापस प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आने के लिए कुछ टाइम लगता है, उस टाइम ड्यूरेशन को, उस पीरियड को क्या बोलते हैं, परप्यूरियम बोलते हो। ठीक है, बेसिकली इस प्रोसेस में होता क्या है, इनमें होता है ऑर्गन के अंदर इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन देखना को मिलता है। ये एक प्रोसेस होती है ऑर्गन के अंदर टू रिवर्ट बैक इट्स प्री प्रेग्नेंट स्टेट। ऑर्गन के अंदर चेंज आना जिसके कारण वो अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट में वापस आ जाए, ये जो प्रोसेस है जिस हिसाब से जो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आ रहे हैं ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन है ज्यादातर, उस प्रोसेस को आप इन्वोल्यूशन बोलेंगे। उस टाइम ड्यूरेशन को जिसमें ये प्रोसेस हो रही है, इन्वोल्यूशन हो रहा है, उसको आप परप्यूरियम बोलोगे। ठीक है, बात करें टाइम की, कितने टाइम का होता है, तो 6 वीक तक का टाइम होता है, 42 डेज आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंट। प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद 6 वीक तक का जो टाइम है उसको आप क्या बोलोगे, उस टाइम पीरियड को आप परप्यूरियम बोलते हो। ठीक है, चलिए और बात करते हैं, 3 पॉइंट आते हैं इसमें, 3 पार्ट्स में बांटा गया है, इमीडिएट अर्ली रिमोट, इमीडिएट अर्ली रिमोट, 3 टाइम पीरियड में बांटा गया है इसको। ठीक है, फर्स्ट 24 आवर, शुरू के जो 24 आवर उसको इमीडिएट पीरियड बोलते हैं, इमीडिएट परप्यूरियम बोलेंगे। अर्ली जो है 1 वीक तक का टाइम होता है, फर्स्ट डे से लेके 7 डेज तक का, 1 वीक आपको याद रखना है, 1 डे आपको याद रखना है, और लास्ट 1 वीक से लेके 6 वीक तक का जो टाइम होगा। ठीक है, अप टिल 6 वीक उसको आप क्या बोलोगे, रिमोट परप्यूरियम या रिमोट ड्यूरेशन बोलोगे उसको। ठीक है, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, इमीडिएट अर्ली और रिमोट, 1 दिन 1 वीक और 6 वीक तक का जो टाइम होगा 1 वीक के बाद का उसको आप इसमें काउंट करोगे परप्यूरियम में। बेसिकली परप्यूरियम में हो क्या रहा है, परप्यूरियम में हो रहा है ऑर्गन के अंदर इन्वोल्यूशन। ठीक है, तो हम पर्टिकुलर ऑर्गन के हिसाब से देख लेते हैं किस ऑर्गन में क्या इन्वोल्यूशन हुआ है, तो उसकी बात करें तो पहला जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो है यूट्रस।
फर्स्ट जो ऑर्गन है जिसके अंदर इन्वोल्यूशन हुआ है, ऑर्गन की बात कर रहे हैं, उसका नाम है यूट्रस। देखिए यूट्रस के अंदर क्या चीज देखने को मिलता है, नॉन प्रेगनेंसी में जो लेंथ बिर्थ और विड्थ होती है वो होती है 7.5 और 2.5 सेंटीमीटर। प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो जाता है, 5 टाइम इंक्रीज हो जाती है एन एवरेज। ठीक है, तो यहां पे लेंथ ब्रीथ वेट हो जाएगा एन एवरेज 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और ये करीबन 14 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी, जस्ट आफ्टर डिलीवरी, यूट्रस का जो साइज है वो डिक्रीज हो गया 27.5 और 5 के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, कितना देखने को मिलेगा, 20, 12 और 7.5 ये देखने को मिलेगा, कब आपको, आफ्टर डिलीवरी। उसके बाद पर डे 1 सेंटीमीटर डिक्रीज होता रहता है, पर डे 1 सेंटीमीटर यूट्रस का जो साइज है वो डिक्रीज होता रहेगा जब तक नॉर्मल में नहीं आ जाएगा। 6 वीक में नॉर्मल जो है, 6 वीक में जो है ये टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा, ये जो रीडिंग्स हैं ये आपको देखने को मिलती है। ठीक है, किस हिसाब से कम होता है, ये रेट है 6 पर डे 1 सेंटीमीटर डिक्रीज होता है साइज। ठीक, एन एवरेज 10 to 12 डेज पे, 10 to 12 डेज पे यूट्रस जो है वापस पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। क्या बन जाता है, पेल्विक ऑर्गन बन जाता है, आपको फिर वो फील नहीं होगा यूट्रस में। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। वेट की बात करें, ये है हाइट की, मेजरमेंट की लेंथ ब्रीथ की, वेट, वेट की बात करें तो जस्ट आफ्टर डिलीवरी उतना का उतना ही रहता है जैसे नॉर्मल होता है। नॉन प्रेग्नेंट का कितना होता है, 60 to 80 ग्राम। ठीक है, प्रेगनेंसी में कितना हो जाता है, 9000 to 1000 ग्राम। आफ्टर डिलीवरी भी इतना ही रहता है, जस्ट आफ्टर डिलीवरी की बात कर रहा हूं, जस्ट आफ्टर डिलीवरी भी कितना देखने को मिलेगा, इतना ही देखने को मिलेगा। देन 6 वीक में वापस, 6 वीक में वापस नॉन प्रेग्नेंट के बराबर आ जाए। ठीक है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटल जो साइट है उसका साइज की बात करते हैं। तो देखिए ये यूट्रस है, यूट्रस में यहां पे प्लेसेंटा अटैच थी, तो पहले ये मेजरमेंट था 7.5, कितना था 7.5 सेंटीमीटर था पहले, लेकिन डिलीवरी के बाद ये 1.5 सेंटीमीटर हो जाता है आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी। अगर मैं एंडोमेट्रियम के रिपेयरमेंट की बात करूँ कि रिपेयर होना, रीजनरेट कब होती है, तो देखिए ये जो अदर पार्ट है प्लेसेंटा के अलावा, प्लेसेंटा अटैच होती है, 30% एरिया कवर करती है प्लेसेंटा, बाकी जो बचा कुछ है वो 70% होता है ये वाला। तो ये जो 70% है ये रिकवर हो जाता है आफ्टर 2 वीक, 2 वीक में रिकवर हो जाता है, लेकिन ये जो 30% है जहां पे प्लेसेंटा अटैच होगी उसको थोड़ा टाइम लगेगा, उसको 6 वीक तक का टाइम लग जाता है। ठीक है, 6 वीक तक का टाइम लग जाता है। अगर मैं बात करूं आफ्टर डिलीवरी की, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर डिलीवरी
आपको फंडस कहाँ फील होगा? आपको फंडस फील होगा बिलो द अम्लाइकस, अम्लाइकस से नीचे होगा, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं 13.5 सेंटीमीटर अबो द प्यूबिस सिम्फाइसिस, प्यूबिस सिम्फाइसिस के देखिए भाई एब्डोमेन है, ये अम्लाइकस है, जी फॉइड प्रोसेस है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है। आफ्टर डिलीवरी की बात कर रहा हूं मैं, कब कर रहा हूं, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी इससे थोड़ा सा नीचे आपको फील देखने को मिलेगा, यहां पे मिलेगा फंडस 13.5 सेंटीमीटर अबो मान लो या बिलो द अम्बिलिकस मान लो, ठीक है। ये था यूट्रस के बारे में, यूट्रस में क्या क्या चेंज देखने को मिलेगा। यूट्रस के बाद नेक्स्ट बात करते हैं वजाइना की, ठीक है, जो वजाइना का जो साइज है वो तो डिक्रीज हो जाता है लेकिन वहां की जो मसल टोन है वो नेवर रिवर्ट बैक। मसल टोन जो मसल्स की हार्डनेस थी वो वापस नहीं आने वाली, लेकिन जो साइज बढ़ा हुआ था वो वापस डिक्रीज हो जाएगा। तो देखा जाए तो इन्वोल्यूशन जो है वो वजाइना के अंदर नहीं होता। ब्रेस्ट टिश्यू की बात करें तो ब्रेस्ट में भी इन्वोल्यूशन नॉट अकर, इन्वोल्यूशन इन में भी नहीं होता। सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स के दो पार्ट होते हैं, इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस। एक्सटर्नल ओस में इन्वोल्यूशन नहीं होता है ना, ध्यान रखना, अब्सेंट होता है, इन्वोल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। वापस रिवर्ट बैक नहीं आएगा एक्सटर्नल रोटेशन, सिर्फ इंटरनल रोटेशन जो है कब आ जाएगा, 6 वीक लगेंगे इसको वापस अपनी पोजिशन में आने के लिए, रिवर्ट बैक हो जाता है। तो ये कुछ परप्यूरियम के पॉइंट थे। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी में, लोचिया, लोकिया, लोचिया, जैसे भी आप प्रोनाउंस करो, यहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक, अच्छा टॉपिक है। देखिए लोचिया क्या है, डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद आपको जो डिस्चार्ज देखने को मिलता है उसको बोलते हैं लोचिया, है ना। और कब तक होता है, ये होता है 2 वीक एन एवरेज 15 डेज तक आपको देखने को मिलता है ये। और जो लोचिया है वो 3 टाइप का होता है कलर के हिसाब से, ठीक है, लोचिया रुबरा, एल्बा, सॉरी सिरोसा और एल्बा, 3 टाइप के आपको लोचिया देखने को मिलते हैं, लोचिया रुबरा सिरोसा अल्बा। आर एस से आपको याद रखना पड़ेगा, आर एस से रुबरा सिरोसा एल्बा। इनका टाइम ड्यूरेशन भी याद रखना पड़ेगा, 1 to 3 days होता है, ठीक है, 4 to 9 days होता है इसका, और फिर 10 to 15 days यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ये टाइम ड्यूरेशन है किस किस टाइम पे देखने को मिलता है, ये और भी डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार अमाउंट देखते हैं, अमाउंट की बात करें तो एन एवरेज 350 ml जो है सिक्रीशंस देखने को मिलते हैं, डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं, जो वेजाइनल डिस्चार्ज होंगे, यूट्रस सर्विक्स जो कि डिस्चार्ज कहाँ के होते हैं, यूट्रस के, वेजाइना के, सर्विक्स के, है ना, कुछ फीटल पार्ट भी होते हैं, कुछ फीटल स्ट्रक्चर्स के। तो ये सारे अमाउंट डिस्चार्ज में देखने को मिलेंगे।
जिनका अमाउंट 350 ml के आसपास होता है, जिसमें 350 ml दो प्रकार से बांटा गया है। देखो 250 ml तो स्टार्टिंग के डेज में देखने को मिलता है, स्टार्टिंग के वन वीक में। देन उसके बाद 100 ml नेक्स्ट वन वीक में देखने को मिलता है। ठीक है, ये था इसके बारे में यहां तक। और बात करें इससे आगे, स्मेल की बात करें तो ऑफसेंसिव स्मेल होती है फिशी, मछली के पानी की जैसी स्मेल होती है, मछली जैसी वैसी आपको स्मेल देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑफसेंसिव स्मेल देखने को मिलेगी। अमाउंट मैंने बता ही दिया 350 ml। ठीक है, कलर तो अकॉर्डिंग टू टाइप पे डिपेंड होता है, रुबरा है, सिरोसा है या एल्बा है। रुबरा में रेड कलर, आर फॉर रेड। ठीक है, सिरोसा सीरस फ्लूड जो होता है वो येलो कलर का होता है, और एल्बा वर्ड कहीं भी है, एल्बिकेंस को कॉर्पस एल्बिकेंस सुना होगा आपने, तो एल्बा जो वर्ड आता है वो वाइट कलर को डिनोट करता है। स्टेरी एल्बिकेंस व्हाइट कलर के स्ट्रेच मार्क्स होते हैं आफ्टर डिलीवरी, तो सारा अल्बा रिलेटेड जो पॉइंट है वो व्हाइट से रिलेटेड है, तो ये कलर कोडिंग होती है इनकी। ठीक है, रूबरा अल्बा। अब ये कलर हो गया, पीएच की बात करें तो एल्कलाइन देखने को मिलता है पीएच, लेकिन बाद में एंड ऑफ द डेज में ये कैसा देखने को मिलेगा आपको, एसिडिक देखने को मिलता है, स्लाइटली एसिडिक हो जाता है, वैसे नॉर्मल एल्कलाइन देखने को मिलेगा। ऑफसेंसिव फिशी स्मेल होती है, 350 ml के आसपास अमाउंट होता है। टाइप तीन टाइप की अभी देख लेंगे इनको भी, रूबरा सिरोसा रेड कलर, येलो कलर और व्हाइट कलर देखने को मिलता है। एल्कलाइन होता है जो बाद में एसिडिक देखने को मिलता है लास्ट डे ऑफ लोचिया, है ना, लास्ट डेज में 15 डेज के आसपास आपको कैसा देखने को मिलेगा, एसिडिक पीएच होगी। ठीक, तो ये था इसके बारे में। अब एक बार इनके टाइप्स की बात करते हैं। तीन टाइप है, लोचिया एल्बा, सॉरी पहले तो रुबरा आएगा, रुबरा सिरोसा और एल्बा। ठीक है, इनके कलर की बात करें, आर फॉर रेड, सीरस फ्लूड येलो कलर के होते हैं, एल्बा एल्बिकेंस वर्ड हमेशा व्हाइट कलर के लिए आता है। टाइम की बात करें 1-3 days के स्टार्टिंग होते हैं, 4-9 days होती है, 10-15 days के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, कलर की बात हो ही गई, क्या क्या देखने को मिलता है इसके अंदर, इसके अंदर मेन तो रेड ब्लड सेल है, उसके अलावा फीटल टिश्यू देखने को मिलेंगे, लैरिंगो जो हेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। सिरोसा में येलो कलर देखने को मिलता है, कुछ फीटल सेल्स होती हैं, आरबीसी डिक्रीज हो जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ हल्के पुलके सेल्स वगैरह, यूट्राइन सेल, सर्विक्स की वजाइनल जो टिश्यूज हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, एल्बा में वाइट कलर देखने को मिलता है ड्यू टू ल्यूकोसाइट, मेनली ल्यूकोसाइट या जिसको आप WBC बोलते हो, और कुछ फीटल सेल्स टिश्यू वगैरह देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक था इन तीनों के बारे में। यहाँ पे रेड ब्लड सेल ज़्यादा देखने को मिलते हैं आरबीसी, यहाँ पे फीटल सेल रेड ब्लड सेल कम हो जाएगी, कुछ अदर सेल्स मिलेंगी, तो थोड़ा येलो कलर देखने को मिलेगा, सीरस फ्लूड। अल्बा वाइट कलर का होता है, ल्यूकोसाइट्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है औरों के मुकाबले, इसलिए व्हाइट कलर देखने को मिलेगा। तो ये था
हमारा एक टॉपिक परप्यूरियम, ठीक है। देखिए अगर लौचिया का फायदा क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, अगर हम अमाउंट की बात करें लोचिया के, अमाउंट डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, इंक्रीज है तो समझ लेना हेमरेज है, और अगर डिक्रीज हो रहा है वेजाइनल निकलने दो, लोकिया हेमेटोमिट्रा हो जाता है, हेमेटोमिट्रा मतलब अंदर ही जो है, लोकिया मिट्रा बोल देते हैं, हेमेटोमिट्रा ब्लड है वो अंदर ही कलेक्ट हो रहा है, बाहर एक्सक्रीट नहीं हो रहा, उसके लिए टर्म यूज करते हैं कलेक्शन ऑफ ब्लड इनसाइड, ठीक है, अंदर की तरफ भी कलेक्ट होगा, बाहर एक्सपैंड आउट नहीं हो रहा, इसलिए आपको स्कैंटी देखने को मिल रहा, अमाउंट कम देखने को मिलता है नॉर्मल से। इंक्रीज में हेमरेज हो गया, कुछ ब्लड सेल्स रेप्चर हो गया, अंदर से कुछ लीजन्स हो गए, या प्लेसेंटल जो पार्ट है वो अंदर रह गया, जिसके कारण आपको ये ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। स्मेल की बात करूं तो पुरुलेंट, ठीक है, पुरुलेंट ऑफसेंसिव स्मेल देखने को मिलती है, तो इन्फेक्शन को डिनोट करेगा, ठीक है। कलर की बात करें तो कलर चेंज नहीं हो रहा, रेड कलर आपको फर्दर नजर आ रहा है 3 to 4 days के बाद, आफ्टर 4 days, तो समझ लेना हेमरेज है, या अंदर कोई लीजन्स है वो डैमेज हो रहे, कोई स्ट्रक्चर या प्लेसेंटल जो टिश्यू वो अंदर बचे हुए हैं तो वो बताएंगे, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि कुछ एबनॉर्मलिटी है या फीमेल के अंदर नहीं है, वो चीज़ें हमें यहाँ से आराम से पता चल जाएगी, इसलिए नॉर्मल लोचिया पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक।